गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू ब्लॉग से पदोड़े बड़ा सिलसिला हो रखा रात से, बुखार थे इसको, रात को बैठ गया था 4 बजे। हाँ मेरा बेटा। तो गाइस मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और ये लेट के ना टीवी मैंने इसको चला के दिया है, कार्टून की कार्टून देख ले बच्चे, तो ये लेट के कार्टून देख रहा है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्योंकि सुबह से ना ठंड लगी जा रही है और एक कोल्ड भी हुई, गला भी छिल रहा, दर्द कर रहा है। मेरे को लग रहा है हम दोनों माँ बेटे इकट्ठे ही बीमार होंगे। वो तो है ही है बीमार, मैं भी साथ में होंगी। तो गाइस मैंने बेड शीटें लगा दी अच्छे से और मेरे को मेरी तबीयत डाउन होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि कोल्ड भी लग गया, मैंने बताया था ना गला छिल रहा है और अब छिटकी जा रही है बड़ी जोर जोर से। चलो अब सब्जी की तैयारी कर लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। आज बनाएंगे हम राजमा। तो गाइज अभी मैं प्याज टमाटर ले आई हूँ, तो इतने ना मसाला कट कर लेते हैं क्योंकि हरी मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची तब आएगी तभी सब्जी बन पाएगी। तो देखते हैं पापा लेके आते हैं या मम्मी लेके आती है हरी मिर्च, इतने मैं मसाला तो काटूँ। तो गाइज अभी सब्जी चढ़ा दी है बनने के लिए, इतने कपड़े तय लगा लेते हैं, इतने सारे कपड़े वो रखे हैं और मम्मी कर रही हैं राशन लिख रही है मम्मी बैठ के, ठीक है। और मेरा मीट यहाँ पे थोड़ा खड़ी खड़ी कर रहा है और इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खाया हुए बुखार में, वैसे भी मन नहीं करता कुछ खाने का, पर ये बच्चा है इसको थोड़ा सा तो खाना चाहिए, खाएगा नहीं तो फिर वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आएंगे। वैसे अभी मेरे कपड़े तय लग गए हैं सारे के सारे, तो अभी नीचे जैसे कि आपको पता है मैं कपड़े तय लगा के आई थी, इतने सारे हैं और अभी ये देखना ऊपर इतने सारे कपड़े फिर से हो गए, ये देखो कितने सारे कपड़े हैं, ठीक है। तो गाइस कपड़े सुखा दिए, मशीन लगा दी है, अब चलते हैं नीचे। अभी ना इस काका गया हुआ इसके पापा के साथ और मैं शावर लेके आ गई थी, मैं शावर लेके आ गई और अभी मैंने फ़ोन किया था कहाँ पे हो किधर में आओगे, तो कह रहे थे मैं बस आ ही गया 2 मिनट में, मैं इतने फटाफट रोटी बना लेती हूँ। उस लड़के ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खाया है मुँह ही नहीं लगा रहा किसी चीज़ के भी, तो आज राजमा चावल बने हैं देखती हूँ खाता है थोड़े से नहीं खाता और थोड़ी सी रोटी बनी बना लेती। गाइस गुगु ना गोदाम से आया था और ये देखो कितने गंदे पैर लेके आया था, मिट्टी वाले सारे, मिट्टी मिट्टी कर दी इसने पूरे घर में, नीचे फर्श पे देख लो, बेड पे देख लो, जहाँ मर्जी। और मम्मी खा राजमा चावल कैसे बने मम्मी? बहुत टेस्टी है। आज तो वो भी नहीं था, जीरा भी नहीं था, आज चावल बहुत स्वाद बने, जीरा भी नहीं था। बाय मित, बाय। बोलो बोलो क्या बोलूं, चालू करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तबीयत खराब होगी तेरी तो गज। ये मुस्कान की तबीयत खराब हो गई है, ये हमारे गुगे की भी तबीयत खराब हो गई है, तो गज। आप लोग भर भर के कमेंट करो कि मेरे मीतू और मेरा मुस्कान दोनों ठीक हो जाए, प्रार्थना करो, प्रे करो और कमेंट भी करो, है ना, हौसला बढ़ेगा मेरे गुगे का और मेरी दूसरी गुगी का, ठीक है गज। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं, एंड थोड़ी करना है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड नहीं करना अभी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, धन्यवाद। यहां पे चल रही है शाम की चाय, मम्मी चला रही है फोन, पापा वो बैठे और इसके पापा ये रहे। ये तो डरा देती है, ये तो फोन चालू कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। क्यों मैंने क्या किया? बहुत बुरा पड़ गया, अपने आप बोलने लग गई है, पागल हो क्या आप? तो गाइस अभी गुगु गया है गोदाम पे और इसके पापा के पास, इसके पापा आने वाले हैं, मेरे को दवाई दिलवा के लाएंगे। गाइस ये आ गए मीत और इसके पापा, चले चलो मैं तो लेने ही आया हूं। हमने दवाई ले ली है, ये रही दवाई, और ली तो थी जुखाम की, पर खांसी जुखाम बुखार सब चीजों की इकट्ठी ही मिल गई है, मेरे को लगा जुखाम जुखाम की बोलूंगी तो कम मिलेगी, वो उसने और ज्यादा दे दी है। अभी ना मम्मी ने छोले उबाल लेते, मैं तड़का लगा देती हूँ क्योंकि गुरुद्वारे में देख देनी है, सुखना सुख रखी थी क्योंकि काका ठीक हो जाए जल्दी से, तो भी देख बना लेते हैं और छोलों में तड़का लगा लेते हैं फटाफट, फिर चलते हैं गुरुद्वारे क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो गाइस यहाँ पे छोले तैयार हो गए और यहाँ पे कड़ा प्रसाद भी तैयार है, मीत को मम्मी तैयार कर रही है, चलो चलते हैं गुरुद्वारे, मैं कंगी कर लूँ थोड़ी सी, मेरे बाजे नहीं निकल गया। तो गाइस अभी ना हमारे साथ गड़बड़ हो गई है, घर की चाबी नहीं मिल रही है, काहे कहानी है। जीरो जीरो। तो गाइस अभी हमारे ताले की तो चाबी मिली नहीं थी, तो तान्या को बुलाया, तान्या से ताला लिया हमने। क्या कह रहे हो पापा? छोटा है, छोटा ताला रह गया भाई। अब पापा जाओ तो चलो फिर। तो गाइस अभी हम गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं, अंदर जाते हैं
दर्शन करते हैं। तो चलिए गाइस निकल चुके घर के लिए, प्रसाद हो गया, दर्शन भी हो गए, और यहाँ पे ना लड़की ने स्कूटी गिरा दी, शायद लड़की ना हो किसी के। तो गाइस यहाँ पे ना हम सारे जने मेथी साफ कर रहे थे, तो काका ना बैठा हुआ था, मम्मा कभी दादू ऐसे कर रहा था, मैंने इसके हाथ में पत्ता तोड़ पकड़ा दिया, मैं क्या ऐसे ऐसे करके तोड़, अब वो एक एक पत्ता छाट छाट के तोड़ ही जा रहे हैं। देखो खाली कर पत्ते को, अभी है ना, देख तोड़ तोड़ दो, वेरी गुड। तो यहाँ पे ना मैंने मीत को एक और डंडी पकड़ाई, मैंने कहा ये ले ये और साफ कर, तो वो देखो कितने अच्छे से साफ कर रहा है, शाना हो गया मेरा बच्चा। तो चलिए गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय बाय। और गाइस हो सकता है कि कल मतलब एक दो दिन हमारे व्लॉग ना आए, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो व्लॉग बनाएगा कौन, है ना, एडिट कौन करेगा, डालेगा कौन, तो इसलिए अब मेरे को घर का भी ध्यान रखना, काकी को भी देखना और व्लॉग भी बनाना, तो इतना सब नहीं हो पाएगा, तो शायद हमारे एक दो व्लॉग ना आ पाए, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, शायद मतलब पक्का नहीं है, क्योंकि हमने परसों शादी पे भी जाना है, शादी पे भी जाना है हमने, उसकी भी तैयारी करनी है वैसे तो, बाकी देखते हैं, अगर मेरे से बन पाए तो मैं जरूर बनाऊंगी, अगर ज्यादा तबीयत खराब होगी तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना सबका ध्यान रखना, हमारी तरह लापरवाही मत करना, जैसे हम सब बीमार पड़ गए, आप सब भी बीमार हो जाओगे, तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बाय कर दो मीत, बाय। नहीं क्या होता, बाय करो, नहीं नहीं बाय, फ्लाइंग केशी बच।